हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कर्नाटका स्टेट का काउंसिलिंग, स्टेट वाली काउंसिलिंग स्टार्ट हो गई है, जिसका डेट आपको 14 जुलाई को ही आ गया था, लेकिन अभी थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने भी कोशिश किया था पर हो नहीं पा रहा, लेकिन कल से अगर 15 जुलाई या 16 जुलाई से आप ट्राई करेंगे तो मे बी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट डेट्स को और कन्वे कर देता हूं। देखिए, पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इन अ किया वेबसाइट 14 जुलाई को पब्लिकेशन हुआ था। पेपर में इसमें लिखा हुआ 15 जुलाई को आया था। पोस्टिंग इन इंफॉर्मेशन बुलेटिन, बुलेटिन के फॉर्मेट में आपको 14 तारीख को दिया गया है। कमिसमेंट ऑफ मतलब स्टार्ट जो होगा अप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो आपको 14 से शाम को 6 बजे, मतलब कल से शाम को 6 बजे शुरू हो गया है, और ये आपको 21 जुलाई को दो रात के मतलब 11:59 PM तक रहेगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको 22 जुलाई है, ध्यान रखेंगे 22 जुलाई के पहले मतलब 6 PM के पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर देना है। मतलब पहले रजिस्ट्रेशन कराने का लास्ट डेट 21 जुलाई रात को 12 बजे, 22 जुलाई को शाम को 6 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और बाकी सबमिशन ऑफ कैटेगरीज वगैरह है, बाकी ये सब आपको अदर नोटिफिकेशन है, ठीक है। और एक क्विक में अपन ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या इसका काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कर्नाटका जो है, मैंने इसमें लिखा हुआ है कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट करने का मतलब ये है कि जो सीट्स हैं वो बाहर के बच्चों के लिए भी ओपन है। तो वहाँ पर जो सीट्स है कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। 40% सीट गवर्नमेंट रेट पे है, इसका लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको फीस रहता है पर एनम, 1 to 1.5 लाख पर एनम, पर ये वहाँ के बच्चों के लिए है, ये कर्नाटका डोमिसाइल के बच्चों के लिए है। रेस्ट है 20%, जिसका मार्क्स थोड़ा कम आता है वो 20%, उसका फीस लगभग 10 से 11 लाख रुपए पर एनम, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, अप्रॉक्स इसी के आसपास जाता है, वो कर्नाटका डोमिसाइल के बच्चों के लिए। रेस्ट 20% जो है, जिसमें ऑल इंडिया के कहीं किसी भी स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये आपको आउटसाइड कर्नाटका के बच्चों के लिए। 15% NRI सीट है, इसका फीस बहुत ज़्यादा जाता है। 5% अदर सीट है, इसका भी फीस आपको NRI के आसपास ही होता है, और अगर NRI या अदर में सीट्स खाली हो जाते हैं तो अदर कोटा में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके सारे काउंसिलिंग प्रोसीजर को अपन देखेंगे कि राउंड 1 राउंड 2 ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले थोड़ा रूल्स समझ लेते हैं। वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता है, जैसे छत्तीसगढ़ में अगर आप प्राइवेट कॉलेज का काउंसलिंग करते हैं तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता है। राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा, सेकेंड राउंड या मॉकअप राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो राउंड 1 में ही होता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको जनरल वालों के लिए 2500 है, NRI वालों के लिए 5000 रुपये है, है ना। और इसमें NRI का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है। पहले क्या होता था ना कि NRI हो या जनरल, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता था, उसके बाद काउंसलिंग में चॉइसेस वगैरह फिल होना था। लेकिन अभी थोड़ा सा रूल चेंज किया गया है ना, इसमें रूल मतलब पिछले साल से ही चेंज हुआ है। उसमें ऐसा है कि NRI का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लोग पहले कर देते हैं, आपको एक डेट्स बताएंगे जिसमें NRI कैंडिडेट वाले जाना पड़ेगा उनको, और जो जनरल वाले हैं आपको उसका स्कैन कॉपी आपको साइट पे अपलोड करना होता है जब आपको सीट्स अलॉट होते हैं, अभी नहीं। चलिए अब उसके बाद देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करा दिया, आपने ऑप्शन फिलअप कर दिया, तो आपको करना क्या होता है कि रिजल्ट आने के बाद इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। वो हर कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होता है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना ही करना होता है। चॉइस नंबर 1 बोलता है कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाई है, आप फर्दर अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते हैं, उस केस में आपको करना क्या होता है कि आपको साइट पे जाके चालान डाउनलोड करना होता है, बैंक में जाके फीस पे करना होता है, उसको कुछ दिनों बाद आपको एडमिशन नोटिस जारी हो जाता है, उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट होता है, एडमिशन कंप्लीट, काउंसलिंग एग्जिट। अगर मान लीजिए कि राउंड चॉइस 2 आप चूज करते हैं, मतलब रिजल्ट के बाद होता है ये, तो चॉइस 2 मतलब इन चारों में से एक चॉइस आपको चूज करना ही करना है, और ये सिर्फ राउंड 1 में ही होता है। और कर्नाटका का चूंकि काउंसलिंग थोड़ा अलग होता है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, हर स्टेप पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, उसको समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप चॉइस 2 चूज कर रहे हैं तो उस केस में आप कॉलेज से सेटिस्फाई तो हैं लेकिन आप अपग्रेडेशन भी चाहते हैं, उस केस में आपको करना क्या है कि बिल्कुल उसी तरीके से आपको जो एडमिशन है वो लेना है, पर कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना नहीं है। इसमें होता क्या है कि आप अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड करेंगे, पहले चालान डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप जाके उसका फीस पे करेंगे, कोई भी आसपास के बैंक में जाके पे कर सकते हैं,
उसके बाद आपको अपग्रेड हो जाएगा, एडमिशन लेटर आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको फिर आप अपने पास रखे रहेंगे। इसमें क्या होता है कि कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन करा के एडमिशन प्रोसीजर फाइनल कर देना, इसमें नहीं, इसमें वेट करना है। अगर मान लीजिए आपने थर्ड राउंड चूज किया, इसका मतलब जो कॉलेज मिला है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो इस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, बैंक में जाके चालान डाउनलोड करके बैंक में पे नहीं करना है, बस वेट करना है सेकेंड राउंड का, कि सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे। और फोर्थ राउंड में ऐसा है कि आप कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, मैं काउंसलिंग ही छोड़ना चाहता हूँ या कहीं अदर जगह मुझे काउंसलिंग मिल गया, सीट्स मिल गया, तो फिर मैं ये काउंसलिंग को ही छोड़ना चाहता हूँ। मैं फिर से बताऊंगा ये चारों स्टेप्स आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कर्नाटका काउंसिलिंग में। राउंड वन, मैं कॉलेज से सेटिस्फाई हूँ, अब मुझे आगे काउंसिलिंग नहीं करना, तो उसका प्रोसीजर है जाके एडमिशन लेना। राउंड टू, ऑप्शन टू, सॉरी चॉइस वन, चॉइस टू, इसमें मैं कॉलेज से सेटिस्फाई हूँ लेकिन अपग्रेडेशन चाहिए, फीस पटाना है पर एडमिशन लेने नहीं जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना। राउंड थ्री, सेटिस्फाई ही नहीं है तो कॉलेज में एडमिशन भी मत लीजिए, ठीक है, मतलब कॉलेज में फीस भी मत पटाइए, राउंड टू के लिए इंतजार कीजिए, और ये बिल्कुल एग्जिट करना है, ठीक है, बाहर निकल जाना। इसमें आपको चॉइस थ्री में फ्री एग्जिट होता है, इसमें भी फ्री एग्जिट होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर आपने देखा, अब मैं आगे देखता हूँ इसके आगे का प्रोसीजर जो है। हाँ, ये राउंड, ये देखिए, अब देखिए होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके आगे का प्रोसीजर जो है मॉप अप राउंड की एलिजिबिलिटी, जो यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है 65 में, एक मिनट, 66, यहाँ पे देखिए मॉप अप की एलिजिबिलिटी। मे भी हो सकता है इसके लैंग्वेज ऐसे है ना कि आपको समझ में नहीं है, मैं बहुत सिंपल साफ भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, भी हो सकता है आपको ऐसे समझ में। नो सिक्योरिटी डिपॉजिट, किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, 2500 रुपये अपन पे किए, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, काउंसलिंग में अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कर्नाटका में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, इसके कारण से होता क्या है कि लगभग सारे बच्चे कर्नाटका की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना ही चाहते हैं। कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको लोग गवर्नमेंट की सीट छोड़ के उसमें एडमिशन लेते हैं, उसका फीस भी बहुत कम है, 7.5 लाख। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि अच्छे मार्क्स नहीं है तो फिर आपको मे भी हो सकता है ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़े, बहुत सारी जगह पे निगोशिएशन, फीस निगोशिएशंस भी होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। काउंसलिंग मैं बताता हूँ, इसके चार राउंड में काउंसलिंग होती है, मैं मेनली तीन राउंड ही डिस्कस करूंगा, राउंड वन, राउंड टू और मॉप अप राउंड, और लास्ट होता है स्ट्रेट राउंड। राउंड वन में आपको करना क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कम से कम एक चॉइस फिल करना होता है या चॉइस फिल करना होता है। एक बात ध्यान देंगे, रजिस्ट्रेशन सिर्फ फर्स्ट राउंड में होता है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड में किसी भी तरह का, या स्ट्रे राउंड में किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। राउंड वन में रजिस्ट्रेशन कराया आपने, अगर आपको सीट अलॉट हुआ, अगर सीट अलॉट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक आप राउंड टू में चले गए, और अगर अलॉट हुआ तो भी आपको चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप सेटिस्फाई हैं, आपको फर्दर अपग्रेडेशन में नहीं जाना है, तो बस चालान डाउनलोड कीजिए, फीस पटाइए, जाके कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट। दूसरा, आप कॉलेज से सेटिस्फाई तो हैं लेकिन अपग्रेडेशन चाहते हैं, उस केस में भी आपको चालान डाउनलोड कीजिए, फीस पटाइए, लेकिन कॉलेज में जाके अब एडमिशन लेने की जरूरत नहीं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना। तीसरा, कि आप कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है तो उस केस में आपको फीस पे करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी करने की नहीं जरूरत है, डायरेक्ट आप फ्री एग्जिट की तरह सेकेंड राउंड में चले जाएंगे। और चौथा में है कि आपको काउंसलिंग ही छोड़ना है, आप किसी अदर जगह आपको सीट्स मिल गए तो वो हो गया। अब अगर मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में आए, तो सेकंड राउंड में चार ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे ऑप्शन दिए भी नहीं होते। सेकंड राउंड में मान लीजिए कि अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आपको फिर डायरेक्ट एडमिशन लेना ही लेना है, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर चले जाएंगे। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं होता, इसके कारण से कोई आपको अमाउंट सीज तो नहीं होता है, पर आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो काउंसलिंग से बाहर कर देंगे अगर आपने सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं लिया। अगर मान लीजिए कि आपने आपको सेकंड राउंड में अलॉट नहीं हुआ है, फर्स्ट में अलॉट हुआ था और आपने ऑप्शन थ्री चूज किया और सेकंड में आपको अलॉट हुआ ही नहीं, तो आप मॉपअप में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है कि आपको ना फर्स्ट में अलॉट हुआ ना सेकंड में अलॉट हुआ, तो भी आप मॉपअप में जा सकते हैं। मॉपअप की इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया दी गई है, वो मैं बताता हूँ। अगर आप सपोज करिए कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ और चॉइस वन और टू आपने फिल किया है, या फिर सेकेंड राउंड में कोई आपको कॉलेज मतलब कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्दर, दी कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड एनी सीट अंडर दी ऑल इंडिया कोटा, अगर मैं ऑल इंडिया कोटा या ESIC या एनी अदर कॉलेजेस मतलब एनी अदर स्टेट में आपको अगर कोई सीट्स मिला है, तो आप मॉपअप में नहीं जा सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव एक्सरसाइज एनी ऑप्शन चॉइस इन द फर्स्ट राउंड एंड एनी ऑप्शन इन द सेकेंड राउंड आर नॉट एलिजिबल, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आपने फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में कहीं भी आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप मॉपअप में नहीं जा सकते हैं।
सेकेंड राउंड में वैसे भी अगर आपको अलॉट मिला है तो आप सर मॉपअप में नहीं जा सकते। कैंडिडेट को हैव जॉइंड कॉलेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट, मतलब अगर आप मान लीजिए कि कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिए तो भी आप मॉपअप में नहीं जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं डेंटल में आपने एडमिशन ले लिया किया के थ्रू ही किया एक साइट का एड्रेस है जहाँ से कर्नाटका की काउंसिलिंग में, तो उस केस में आप मॉपअप जा सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सीटों के लिए, डेंटल सीटों के लिए आप नहीं जा सकते। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो आपको लेके जाना होता है मॉपअप में। सबसे पहले आपको एंट्री पास डाउनलोड करना होता है। देखिए मॉपअप राउंड जब होता है ना तो उसमें मैं आपको इंटरेस्ट शो करना होता है, ठीक है। तो आपको उसमें करना क्या होता है, एलिजिबिलिटी हुआ है रजिस्टर्ड प्रियर टू दी मॉपअप, आपको मॉपअप में रजिस्टर्ड करना होता है। पर उस टाइप का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है जो फीस पे करके होता है, बस वहाँ पे ये करना होता है कि हाँ मैं मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो एक आपका एंट्री पास निकलता है, तो वो एंट्री पास लेंगे, वेरिफिकेशन स्लिप्स लेंगे, उसके बाद फीस के डिफरेंट डिफरेंट डिमांड ड्राफ्ट बनवाने होते हैं, मतलब अलग अलग डोमिनेशंस के मतलब अलग अलग अमाउंट के आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाने होते हैं और वो लेके जाना होता है, क्योंकि कौन सा कॉलेज में देगा कितना डिमांड ड्राफ्ट यूज होगा वहीं पे पता चलता है। मॉपअप राउंड प्योर ऑफलाइन ही होता है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट है इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट इन द मॉपअप राउंड इंटायर फीस पेड विल बी फोरफीटेड, मतलब अगर आप मान लीजिए कि मॉपअप में एडमिशन लेने के बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो पूरा का पूरा अमाउंट आपका सीज कर लिया जाएगा। तो यही कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहता था, और मैं चाहता था कि एक बार कर्नाटका के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं सबसे पहला जो कम से कम फीस है वो केरला में अभी फिर ओपन हुआ है, चाहे तो रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकते हैं, आज अभी ओपन है आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकेंड जो होता है वो छत्तीसगढ़, और थर्ड जो बच्चों का चॉइस रहता है वो रहता है कहीं ना कहीं देखा जाए जो ओपन स्टेट कर्नाटका है। कर्नाटका में सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है कि वहाँ पे, अच्छा इसके बारे में एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, ये कर्नाटका में आप किसी भी कॉलेजेस प्राइवेट में अगर आप एडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पे सर्विस बॉन्ड है, छत्तीसगढ़ में सर्विस बॉन्ड नहीं है प्राइवेट में। तो वो सर्विस बॉन्ड जो है ना वो 1 ईयर का है, लेकिन अगर आप पीजी और यूजी, यूजी और पीजी अगर आप कर्नाटका से ही कर रहे हैं तो फिर 1 ईयर यूजी और 1 ईयर पीजी करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक भी करेंगे। जैसे यूजी का 1 ईयर आपको छोड़ दिया जाएगा, मतलब उसको माफ कर दिया जाएगा, बस पीजी का 1 ईयर आप रूरल सर्विस बॉन्ड कर सकते हैं या फिर 10 लाख का पेनाल्टी लगता है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि कर्नाटका में आपको जो बच्चे जाते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, है ना, ये सारी बातें तो मैंने बता दी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कोई अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना के आपका कमेंट दूर करना चाहूँगा। तो मैं जो छत्तीसगढ़ और कर्नाटका जो कंपेयर कर रहा था ना, तो कंपेरिजन ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है लगभग 1 लाख रुपये, वहाँ पर नहीं लगता है। खैर वो कोई इशू नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका वैसा तो है नहीं कि वो यूज़ हो रहा है, मतलब आपका रिफंडेबल ही है, सेकंड राउंड तक रिफंडेबल रहता है। सेकंड राउंड में अगर आपको अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड तक रिफंडेबल रहता है, सेकंड राउंड में अगर आपको अलॉट हुआ तो आपको एडमिशन लेना है। वही अगर बात किया जाए कर्नाटका का, तो नो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर्नाटका में ये नहीं होता है। कर्नाटका में आपको कोई भी बैंक गारंटी नहीं होता है, पर छत्तीसगढ़ में होता है। लेकिन अगर फीस वाइज देखिएगा ना, तो यहाँ पे विदाउट बैंक गारंटी, विथ बैंक गारंटी कर्नाटका के कॉलेज से कमी फीस होती है। तो आप एक बार अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और कोई भी कमेंट्स हो, मतलब कोई भी अगर डाउट्स हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, थैंक यू।